Hi everyone, welcome back to Raghav Wonders YouTube channel, and today I'm going to show you how I celebrated my birthday, which is on 2nd of November. So क्या क्या पूरे दिन हमने चीज़ें करी वो मैं आपको दिखाऊंगी. सो ये मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन का सीन दिखा रही हूँ मैं आपको. यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी डेकोरेशन करके रखी हुई थी, मेरे भाई ने, बहन ने, मेरी भाभी ने. सो ये आपको पूरा सीन दिखा सकती हूँ. एंड जितना भी उन्होंने डेकोरेशन किया था वो बहुत जल्दी जल्दी किया था, बिकॉज मैं सो चुकी थी और उन्होंने उस लगभग मैं हाफ एन आवर के लिए ही सोई थी, तो उन्होंने उसी बीच में ये सारा सेलिब्रेशन किया. तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, बट येस इट्स मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था. आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एक्सॉस्टेड है ये लोग आफ्टर दिस ऑल द प्रिपरेशन दे हैव डिड. सो या ओके. सो अभी बिकॉज मैं कुछ प्रिपेयर नहीं थी, मैं ऐसे ही अपने नाइट ड्रेस में आ गई थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं हम लोग कैसे वीडियो बनाएंगे या क्या करेंगे. सो बस यहाँ पे हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे कि तुम यहाँ से पिक्चर्स लो, तुम वहाँ से पिक्चर्स लो, केक कैसे काटना है. तो हर तरह से पिक्चर्स हमारी अच्छी आनी चाहिए, बट ये डिस्कशन काफ़ी लॉन्ग चला, इसीलिए वीडियो जो थी वो मैंने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में बनाने की कोशिश की है, ताकि आप ज़्यादा कोई बोर ना हो वीडियो के अंदर. और ये लड़का मेरे केक काटने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसको धमकी दी कि अगर तुम मेरे केक के पास भी आया तो मैं तुझे अपने बर्थडे पार्टी में फिर मैं आने नहीं दूंगी और तुझे अपने बर्थडे पार्टी से बाहर निकाल दूंगी. सो या मतलब हमने काफ़ी एंजॉय किया रात में भी. आगे आप पिक्चर्स भी देखेंगे वीडियो के सबसे एंड में, जब व्लॉग हमारा ख़त्म होने वाला होगा. सो यस, फाइनली हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, केक्स को अच्छे तरह से रखा, केक को उसके ऊपर कैंडल जलाई, और बस उसके बाद हमारा पूरा सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था. बट मुझे वो पिक्स अच्छी नहीं लग रही थी जिस वे एंगल पे वो ले रहे थे, तो मैं उनको काफ़ी बता रही थी कि ऐसे लो नहीं, ऐसे लो पिक्स. सो फाइनली हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, और आप देख सकते हो कि मैंने फाइनली केक को कट कर दिया, और इस तरह से हमारा मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन कम्प्लीट हुआ. Later. Okay, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, और हमारे यहाँ पे जब भी किसी का बर्थडे होता है तो जनरली हम लोग कोई ना कोई कथा करवाते हैं. सो आज हमने सत्यनारायण जी की कथा करवाई थी, प्लस उसमें हवन भी था. सो वो हम यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं. पंडित जी आ चुके थे, तो वो पूरा जो भी सत्यनारायण जी की तस्वीर हम लोग रखते हैं वो उसके लिए सेटअप कर रहे थे. और मीनवाइल मैं पीछे का बैकग्राउंड को ट्राई कर रही थी कि किसी भी तरह से अच्छे से डेकोरेट कर पाऊँ, बिकॉज दिवाली भी है, और प्लस दिवाली के साथ साथ मेरा बर्थडे और हवन भी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूँगी तो अच्छा आएगा वीडियो के अंदर. बट ये बार बार पता नहीं क्यों गिरे जा रहे थे, और हमारा पूरा सेलिब्रेशन इन गंदे से फ्लावर्स ने पूरा ख़राब कर दिया. बट इट्स ओके, आई थिंक हमने फिर भी बिकॉज हवन बहुत अच्छे से हो गया था, पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से सबको कथा सुनाई थी, और बिकॉज मैंने आज से पहले कभी भी सत्यनारायण जी की कथा नहीं सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली बार सुनी, और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है भगवान जी और इन सब की कथा वथा सुनने में. सो मेरे लिए एक बोनस था. सो अभी पंडित जी ने पूजा स्टार्ट कर दी है, और क्योंकि पूजा मेरे लिए रखी गई थी तो ये दीपक भी मैं ही जला रही हूँ, पर मैं चाह रही थी कि इसका एक अच्छा सा शॉट लूँ, बट मुझे नहीं आता तो मैंने पता नहीं क्या लिया, बट ठीक है जो भी आया अच्छा आया, आई एंजॉयड इट. बाकी ये पूजा स्टार्ट हो चुकी है. पूजा में बिकॉज हमेशा पैर में बैठा जाता है सत्यनारायण जी की कथा में, सो यहाँ पे मेरे पैर में मेरी बहन बैठी थी, बिकॉज वी बोथ आर राइट नाउ सिंगल. सो ये आफ्टर कथा ये यहाँ पे हवन करवा रहे हैं पंडित जी. हरि ओम नमः शिवाय.
ओके सो अभी हवन भी खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे आरती कर रहे थे हम लोग और फाइनली इसी आरती के साथ हमारा ये मॉर्निंग रिचुअल जो सत्यनारायण कथा का था वो कंप्लीट हुआ। तो ये आरती यहाँ पे बस कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हमने पार्टी के लिए अपने आप को गियरअप किया और फिर हमने जल्दी से डेकोरेशन पूरी स्टार्ट कर दी पंडित जी के जाते ही। तो आप देख सकते हैं ये लोग पूरे बलून्स को अच्छे से फुला रहे थे, प्लस इन्होंने जो हैप्पी बर्थडे है ये इसको यहाँ पर लगाने का ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे ये लोकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी बिकॉज एरिया मुझे छोटा लग रहा था और मुझे चाहती थी कि नाइट के टाइम पे हमारे दूसरे वाले पार्ट में, हॉल वाले पार्ट में काफ़ी अच्छे से लाइट लगी हुई है, तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ लगाओ मेरे लिए। सो ये लोग पूरा डेकोरेशन पर अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। सो अब आपको दिखाएंगे फाइनल रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने पूरा डेकोरेशन कर दिया था, सेटअप कर दिया था, केक वगैरह सब रख दिया था और मैं फाइनली यहाँ खड़ी हो गई हूँ, सबका वेट कर रही हूँ कि सब लोग कब जल्दी जल्दी आएंगे और मैं कब जल्दी जल्दी केक काटूंगी, बट मुझे बहुत डर लगता है वो केक की कैंडल से, सो इसीलिए मैं दूर भाग रही थी, पर ज़बरदस्ती वो लोग मुझे ले लेके आ रहे थे और यहाँ मैंने केक काटा और सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई और इन गंदे से लड़कों ने मेरे मुँह पूरा ख़राब कर दिया था। सो बिकॉज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा था तो मैं नहीं चाहती थी लोग बोर हो, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और अब आपको दिखाएंगे हम फाइनली पिक्चर्स जो हमने क्लिक की थी उस डे पर मेरे फ्रेंड्स के साथ और मेरी फैमिली के लोगों के साथ और जो मैंने ड्रामे किए ड्यूरिंग कैंडल को बुझाते हुए, वो सारे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ बर्थडे व्लॉग। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।